फरमाया अखलक अल्लाह सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है मन अहसन अला ही सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब वो है जो उसके कुंबे के साथ एहसान करता है माया लाईमान अमानत लहू जो अमानत दार नहीं वो ईमानदार नहीं फिर फरमाया खै रुकुम खै रुकुम ले आहली तुम में बेहतर वो है जो अपने अहलोयाल के लिए बेहतर है फिर फरमाया कौन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब उन दुनिया में इस तरह रहो जैसे मुसाफिर होता है दूसरी हदीस फरमाया तर्क शर्र सदा का तुन बुराई को छोड़ देना सदका है फिर फरमाया अल व कनजुल ला यफ़नी कनात किसे कहते हैं कनाअ का माना है थोड़ी दौलत को काफ़ी समझना और अल्लाह पे राज़ी रहना हजूर ने फरमाया कनात ऐसा ख़जाना है जो ख़त्म नहीं होता और फ़रमाया तोद एलन्ना से निस्फुल अकली लोगों से मोहब्बत का बर्ताव करना निस्फ अक़ल है अलफ़ फिर फरमाया अलफ़िला यजीत दुलब्द अज्ज़न दरगुजर करना आदमी की इज़्ज़त को बढ़ा देता है और आखिर में फ़रमाया ला तरश शमा तब अख़ी का फ़ाज आ कि यबली का अपने भाई को शर्मिंदा न किया करो अपने भाई को शर्मसार न करो वरना अल्लाह तुम्हारी गिरफ्त करेगा और तुम्हें भी उस बुराई से आलूदा कर देगा